दोस्तों आज का टॉपिक है क्या सच में भूत होते हैं या नहीं। दोस्तों आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि असल दुनिया में भूत होते हैं या नहीं। सबसे पहले तो आप हमें बताओ कि आप भूत है ये मानते हैं या नहीं। आपका उत्तर हाँ या ना, ये दोनों में से होगा। आज मैं आपका उत्तर जो भी होगा वो कितना सच है या झूठ है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये जो सब्सक्राइब बटन है इस पर क्लिक करें और जो बाजू में बेल आइकन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए। इसके कारण आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों डर या भय, इसका सामना हर एक इंसान करता है। क्या वाकई कोई चीज़ डरावनी होती है या फिर हम अपने मस्तिष्क में भ्रम पैदा कर खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों ऐसी घटनाओं का अभ्यास करने के लिए एक विशेष टीम होती है जिसे पैरासाइकोलॉजिस्ट कहते हैं और ये मुख्यतः इसी चीज़ पर रिसर्च करते रहते हैं। दोस्तों जब हम कभी ज़्यादा डरने लगते हैं तो हमारा दिमाग सूचना के अभाव के कारण जो आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं वही आपके सामने दिखाने की कोशिश करता है और हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ अलग ही देख लिया हो, जिसे हम भूत कहते हैं। आप ये सब कुछ पल के लिए महसूस करते हैं लेकिन इसके कारण इंसान के भीतर एक अलग हलचल सी महसूस होने लगती है। आपकी सांसें जो है वो बहुत तेज चलने लगती है और आपका शरीर बहुत चकाना हो जाता है। आपके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, जोर से आपका दिल धड़कने लगता है और आप एकदम डरावना महसूस करते हैं। अगर हम साइंटिफिकली सोचें कि ये सब आपके दिमाग में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर के कारण होता है। दोस्तों मैं आपको ये बात एक एग्जाम्पल के आधार पर बताना चाहूँगा कि आपके मन में कैसे डर पैदा होता है। दोस्तों हम हॉरर फिल्म देखते हैं, उसमें एक रहस्यमय पुरानी इमारतें या फिर ऐसे घर दिखाए जाते हैं जिसके कारण आप अपने मन में एक सोच भर देते हैं ऐसे कि ऐसे जगह पर ये सब कुछ होता है। समझो आप रियल में अगर एक हद इमारत के पास गए जहां दूर दूर तक आबादी ना हो और अंधेरा हो तो आपका दिमाग हॉरर मूवी में दिखाए गए चीज़ों को रिमाइंड कराता है और आपके मन में फिर वही डर पैदा हो शुरू हो जाता है और आपका दिमाग वही आपको सिग्नल देना शुरू कर देता है। उसके कारण आप वो भी चीज़ें महसूस करते हैं जो वास्तव में नहीं होती है और आप खतरा महसूस करने लगते हैं। दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता लगाया गया है कि आपको एक ऐसी इमारत के पास लेके गए और आपको उस इमारत के बारे में कुछ डरावने वाली चीज़ें बता दे तो उस समय आपका दिमाग उस इमारत के बारे में आपके मन में डर पैदा करने लगता है और आप ऐसा ऐसा कुछ सोच लेते हैं जो वास्तव में वहाँ पर नहीं रहता। उसके बाद अगर वो इमारत में कुछ भी सामान्य भी हलचल होती है तो आपको उसके रूप में वहाँ पर आपको भूत महसूस होता है। इसमें एक ही बात रिसर्चर्स के सामने आई कि हमारी कल्पना और भूतों पर विश्वास या फिर विचित्र परिस्थितियां के संयोग से ऐसा हमें आभास होता है कि हमारे जैसा ही कोई और भी वहाँ पर है जिसे हम भूत कहते हैं। तो दोस्तों आज आप ये इन्फॉर्मेशन से समझ ही गए होंगे कि भूत असल ज़िंदगी में होते हैं या फिर अपने दिमाग में। तो आप क्या सोचते हैं भूतों के बारे में, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।